से बिलबिलाती प्रजा ऑक्सीजन और बेड के बिना मरी जा रही है और राजा बेटे की शादी में इंद्रलोक की परियों को नचवाने में व्यस्त थे। इधर लाशों की ढेर पर मातम चीख और पुकार मचा था, उधर पटाखे फूट रहे थे और सातवें सुर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। छनुक पुराओ मंगल गाओ, छनुक पुराओ मंगल गाओ, अति मनसुख पायोरी अलबेला साजन आयोरी। पाई पाई की मोहताज पब्लिक को अस्पताल तो छोड़िए, कईयों के पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं। और उधर राजा विधायक ने राजकुमार बेटी की शादी में कुबेर को प्री बुकिंग ऑर्डर पर बुलाया था। कुबेर ने भी खिदमत में सारे खजाने खोलकर खजांचियों को नोट उड़ाने के स्पेशल काम पर लगा दिया था। इधर एक तान छोड़ता उधर आसमान नोट उगलने लगते, फिर दूसरा तान छोड़ता और नोटों की बारिश होने लगती। राजकुमार के स्वयंवर में पैसे ऐसे उड़ाए जा रहे थे मानो पारिजात के पुष्प की वर्षा हो रही हो। जैसे लाश देखकर गिद्ध नाचते हैं ना, वैसे ही सतरंगी समा बांध कर नाच गाना चल रहा था। बिहार के अररिया में भूलोक पर साक्षात स्वर्गलोक उतर आया था। इंद्रलोक की अप्सराएं भूलोक पर कथक और कुचिपुड़ी कर रही थी। इंद्रदेव भी गहन चिंता में थे, देवताओं के दिमाग की नसें सोच सोच कर फटी जा रही थी। इतना विहंगम स्वयंवर था कि देखने वालों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। ये देखने आई हाड़ मांस की सारी कठपुतलियां नोटों की बारिश में तरबतर होकर तालियां बजाने लगती थी। काहे का कोरोना, कौन सी सरकार, कौन सा कर्फ्यू, कौन सा कानून। पापा विधायक हैं तो बेटे की शादी को वक्त और समय की सीमाओं में बांधने की हिम्मत भला कौन अधिकारी दिखाए। और ऊपर से अपनी सरकार है तब तो और घी लगाकर मूछों पर ताव बनता है। गरीबी और मजबूरी के सीने पर इससे भयंकर और विकट अट्ठास आज तक नहीं देखा था। विधायक के बेटे की शादी में पूरा मोहल्ला दीवाना बना पड़ा था। भीड़ बढ़ती गई और सरकार के सारे कायदे कानून मसल दिए गए। नीतीश कुमार के सारे ऑर्डर को बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी जैसे मुंह चढ़ा रहे थे। शादी में 100-200 तो छोड़िए, हजारों लोग आए। सोशल डिस्टेंसिंग की खूब ऐसी तैसी हुई। अधिकारियों और मंत्रियों का रौब तो आम आदमी पर दिखता है। वीआईपी और विधायक का नाम सुनते ही वो मंदबुद्धि बन जाते हैं। सोचने समझने की सारी ताकत उनकी शून्य हो जाती है। अब पापा भय विधायक तो डर काहे का, इसे ही कहते हैं सत्ता के नशे में चूर हो जाना। इस नशे के पागलपन में विधायक विद्यासागर केसरी भूल गए कि वो क्या कर रहे हैं। पैसा और पूंजीपति होने का ये मतलब नहीं कि गरीबी का उपहास उड़ाया जाए। ये बदलते बिहार की तस्वीर है। गरीबों के लिए बिहार नर्क बना हुआ है और गरीबों के वोट से पैसे पर पैसा पीटने वाले विधायक के लिए इंद्रलोक। एक थे भगीरथ जो गंगा को स्वर्ग से सीधे धरती पर ले आए, एक हैं बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी जो सीधे इंद्रलोक को ही मृत्यु लोक पर ले आए। विरले ही ऐसा हुनर किसी के पास मिलता है, वो भी कठिन साधना के बाद। और आजकल ये साधना पैसों से ही पूरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं दो गज की दूरी। दो गज की दूरी तो छोड़िए, दफनाने और जलाने के लिए दो गज जमीन की खातिर कई दिनों तक लाइन लग रही है। जब मीडिया ने इन तस्वीरों पर सवाल उठाया तब जाकर अधिकारियों का जमीर भी जाग गया। तब उनके बंधे हाथ जांच का हुक्म लिखने को तैयार हुए, वरना उससे पहले तो सब के सब सत्ता स्तुति में बुत बने हुए थे। इन तस्वीरों को सहेज लीजिए, ये सब कुछ पन्नों में जरूर दर्ज होगा। ये याद रखा जाएगा कि बिहार के अररिया में जब लोग कोरोना से बेमौत मर रहे थे तब फॉर्बिसगंज का विधायक अप्सराओं को नचा रहा था और उन पर पैसे बरसा रहा था। तारीख नोट कर लीजिए, अगली बार जब विधायक वोट मांगने आए तो जरूर पूछिएगा सड़ती गलती लाशों पर गिदड़ नाच करने वाले लोगों, इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो। मुर्शीद रजा, टाइम्स न्यूज, अररिया।